वह नदी जहां दो देशों के लोग करते हैं छठ महापर्व। छठ को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। बिहार के साथ ही देश और विदेश के लोग इस महापर्व को मनाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में छठ महापर्व को लेकर खूब तैयारी चलती है। दीपावली समाप्त होने के साथ ही छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग अपने अपने घर लौटने लगते हैं। इन दिनों ट्रेनों में खूब भीड़ देखने को मिलती है। इन दिनों छठ घाटों की सफाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। सरकारी अमले से लेकर आम लोग इसमें लगे हुए हैं। इसी तरह से एक ऐसी भी नदी है जहां दो देशों के बीच में छठ महापर्व की तैयारी चल रही है। इस नदी के दोनों घाटों पर दोनों देशों के लोग आकर भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। इस नदी के बारे में आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत और नेपाल के बीच में रिश्ता रोटी और बेटी का है। दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ अपनी बेटियों की शादी करते हैं, या हम कह लें कि विवाह करते हैं, और कमाई के लिए भी यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। पिछले कुछ दिनों में नेपाल की सीमा पर विवाद को लेकर भी एक मसला रहा है, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच में अब संबंध बेहतर हुए हैं। भारत और नेपाल की सीमा के बीच में बिहार का एक जिला है सीतामढ़ी। यहाँ बहती है झीम नदी। बता दें कि यह नदी सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में बहती है। झीम नदी पर दोनों ही देशों के लोग आकर छठ महापर्व को मनाते हैं। यह तैयारियां जोरों से चल रही है। बताया जा रहा है कि यह छठ महापर्व के दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को इस दिन नदी के तट पर अर्घ देते हैं। इस दिन दोनों देशों के बीच में समरसता देखने को मिलती है। बिहार से सटे नेपाल के जिलों में छठ महापर्व की खूब आस्था देखने को मिल रही है। बिहार की संस्कृति नेपाल की संस्कृति के साथ मिलती हुई दिखाई देती है। पिछले कुछ सालों से नेपाल में छठ व्रतियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि बिहार की बेटियों की शादी नेपाल में हुई है और नेपाल की बेटियों की शादी बिहार में हुई है, तो दोनों देशों की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि छठ महापर्व अब नेपाल के लोग भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने लगे हैं। बिहार के साथ ही पूरे देश में 28 अक्टूबर को नहाई खाई के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को अस्तलगामी यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को उदयमान सूर्य यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके साथ साथ छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। हम जिस नदी का जिक्र कर रहे हैं, इस नदी के दोनों ही घाटों पर एक मेला जैसा उत्सव दो दिनों तक देखने को मिलता है। दोनों ही देशों की व्रतियां यहां नदी में खड़ा होकर भगवान भास्कर की पूजा और आराधना करती है। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच में आपसी भाईचारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस दिन घाटों पर चमचमाती रोशनी ऐसा लगता है ही नहीं है जैसे दो देशों के बीच में यह एक पर्व को मनाया जा रहा है। यह महापर्व उसी तरह से दोनों देशों के बीच में समरसता बनाए रखे, यही हमारी कामना है।